Now, getting back to the coin database, how can you make your own coin database? Hello, this is going to be a kind of tutorial or informative vlog. It's not like a normal vlog, so I'm not sure if you're going to like it or not, but I'm pretty sure that coin collectors out there are going to love this one. Don't worry if you're not a coin collector, because my next vlog will be a regular vlog. Okay, so all you have to do is go on the Google and search for Numista. Numista. So this is the website. Click on it. So this is what the homepage looks like, and all you have to do is create your account, register, and fill in all the details, and you are ready to go. I have already created account, so signing in. Okay. Now, मैंने काफी कुछ entries करके रखे हैं. बाकी 104 कॉइन्स के एंट्रीज मैंने की है, जिसमें से 97 डिफरेंट कॉइन्स है, 83 डिफरेंट टाइप के हैं, 11 कंट्रीज के हैं और 12 इश्यूअर्स है. ये तो सब हुआ इंफॉर्मेशन. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, और कॉइन्स एंटर करने के बाद, डेटाबेस में डालने के बाद, ये सब कलर में दिखाता है कि कौन कौन से कंट्रीज की कॉइन आपके पास है. नाउ सपोज मैंने इंडिया पे कर्सर लिया, तो ये दिखा रहा है कि इंडिया के 70 कॉइन्स है मेरे पास, और इंडिया ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करते थे तभी के कॉइन्स 2 है. सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस, इट विल शो माई डेटाबेस. मेरे अभी इसका जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब मैंने एंटर किया है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे एंटर करने का. गो टू कैटलॉग एंड सर्च. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगी 25 पैसा इंडियन कॉइन, पुराना वाला जो अभी नहीं है मोनेटाइजेशन में, डीमोनेटाइज है वो कॉइन. तो मैंने यहाँ पे डाला इंडिया एंड आई विल एंटर हियर. कॉइन के ऊपर क्या लिखा है वो, तो या फिर करेंसी, ठीक है, जो भी है 25 पैसे. एंड आई विल सर्च. एंटर करने के बाद मैं सर्च करूँगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स वो दिखाता है. 25 पैसे के भी अलग अलग कॉइन्स है यहाँ पे, एज यू कैन सी. तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है कि मेरे पास जो 20 पैसे का कॉइन है वो ये कॉइन्स में से कौन सा है. ठीक है, सो आई हैव दिस कॉइन राइट नाउ, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट. क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे एज यू कैन सी ये कॉइन का डिटेल्स दिया है. यहाँ पे सी कंट्री इंडिया, टाइप कॉमन कॉइन, कौन से ईयर्स तक था, वैल्यू क्या है, मेटल कौन सा यूज़ किया है, वेट, डायमीटर, थिकनेस, शेप, ओरिएंटेशन, डीमोनेटाइज्ड कब हुआ 2011 में, रेफरेंसेस एंड ऑल, सब कॉइन का इंफॉर्मेशन है. देन अभी यहाँ पे हमें चेक करना है नीचे जाके कि कॉइन का एज कैसा है. एज इज दिस पार्ट ऑफ द कॉइन, और यहाँ पे बोला है कि एज इज स्मूथ, सो यू हैव टू चेक वेदर एज ऑफ द कॉइन इज स्मूथ. अगर यहाँ पे मेंशन किया है लाइंस है, तो यू हैव टू चेक कि एज पे लाइंस है या क्या है. यहाँ पे बोला है एज स्मूथ है, तो आई विल चेक कि एज स्मूथ है या नहीं इस कॉइन का, एंड इट इज स्मूथ. आई विल हैव टू चेक ईयर ऑन द कॉइन. सो एज यू कैन सी ईयर जो है कॉइन पे वो है 1989 के
कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, 1989 है, 1989 विद स्टार, 1989 विद सर्कल, 1989 विद डायमंड। तो ये क्या है आपको देखना है, यहाँ पे 1989 जो लिखा है कॉइन पे, उसके नीचे जो सिंबल है 1989 के नीचे जो सिंबल है वो क्या है? इट्स अ सर्कल। सो आई विल गो विथ दिस ऑप्शन ओवर हियर, 1989 विथ सर्कल, दिस ऑप्शन आई विल गो विथ दिस। और ये जो बॉक्सेस दिए हैं आगे, यूएनसी एक्सचेंज, ये सब अलग अलग कैटेगरीज है। सो पे आपको एंटर करना है कि आपका कॉइन अनसर्क्यूलेटेड है क्या, एक्सट्रीमली फाइन है या वेरी फाइन है या वेरी गुड है। तो ये हुए कैटेगरीज ऑफ कॉइन, जिसमें आपको चेक करना है कॉइन का कंडीशन क्या है। वो कंडीशन कैसे चेक करेगी उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। जस्ट गो टू दिस न्यूमिस डॉक, न्यूमिस का डॉक्यूमेंटेशन, एंड हाउ टू एंटर योर कॉइन्स टू योर न्यूमिस्टा कलेक्शन। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक हाइपर लिंक मिलेगा कॉइन ग्रेव्स का, उसके ऊपर क्लिक करना है। जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, बैक टू आवर पे। सो वी हैव दिस 25 पैसा ऑफ दिस कैटेगरी 1989, और उसके ईयर के नीचे सर्कल सिंबल है। कॉइन को चेक करना है, कॉइन के डिटेलिंग्स देखने हैं इस पे। कॉइन के डिटेलिंग्स तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, शार्प डिटेल्स है और यहाँ पे भी शार्प डिटेल्स है, बट थोड़े बहुत स्क्रैचेस है इसके ऊपर। सो आई विल जस्ट कॉल इट एक्स्ट्रा फाइन। यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगी एंड देन विल गो बैक टू माई कॉइन्स। वो ऑटोमेटिकली सेव होगा। सी 105 कॉइन्स, पहले 104 थे, अभी 105 हो गए। सो दीज आर ऑल द कॉइन्स जो मैंने डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं, एंड दीज आर ऑल द कॉइन्स जो मुझे डेटाबेस में एंटर करने। हालांकि आई एम नॉट सपोज टू कीप माय कॉइन्स लाइक दिस इन अ बॉक्स, बिकॉज उसका क्वालिटी डैमेज हो जाता है। आई सून गेट दैट फाइल थिंग जिसमें कॉइन्स स्टोर करते हैं, यू नो, आई डोंट नो वॉट इट इज कॉल्ड, बट आई एम गोना गेट इट सून। या सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माई डेटा बेस एंड आई एम गोइंग टू एंटर ऑल दिस रेस्ट ऑफ द कॉइन्स इन द डेटा बेस नाउ। आई होप यू एंजॉयड टूडेज ब्लॉग, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। Magnetic.